बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे CTS के टेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल जो है आजकल मौजूदा वो कौन सा है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है डॉक्टर रज़ा बाकिर। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज़ द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस। तो इसका ट्रू ऑप्शन जो है वो इनाम गनी है। करंट गवर्नर ऑफ पंजाब इज़, तो ऑप्शन वन चौधरी सरवर। हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर इन पंजाब। तो इसका जवाब है राजा मोहम्मद बशारत। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो ICT स्टैंड्स फॉर। ICT किस चीज़ का मुखफ़ है या एब्रीवेशन है? तो इसका है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी। सिक्स है, अयूब नेशनल पार्क इज़ सिचुएटेड इन, तो ये रावलपिंडी में वाक़ है। क्वेश्चन सेवन, द कैपिटल ऑफ अल्बानिया इज़, तो इसका कैपिटल जो है दारुल हुकूमत तिराने है। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत जो है वो कानबेरा है। हु वाज़ द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की कानून साज असम्बली का पहला सदर था वो कैद आज़म थे। क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो हमारे पास, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव बेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो होती है इसका आंसर वो है। इफ़ आ फोर पीपल कैन डू अ वर्क इन 40 मिनट, देन 8 पीपल कैन डू द सेम वर्क इन मिनट्स, यानी 4 बंदे जो हैं वो एक काम को 40 मिनट में कर रहे हैं, तो 8 बंदे वही काम कितने मिनट में करेंगे? तो ऑफिशियली इसका जवाब जो है वो 20 मिनट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 4 + 4 - 4 × 4 / 4 / 4, इसका आंसर जो है हमारे पास 4 आएगा। इसमें फ्रेंड्स डमास का जो कानून लगेगा, डमास यानी डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई का प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद जो है जमा करने का और उसके बाद माइनस का। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास वो है, दी एजिस ऑफ सुहेल अफजल एंड बिलाल आर 17, 16 and 12 रिस्पेक्टिवली, यानी पहली तरतीब जो उम्र है उनकी सुहेल अफजल और बिलाल की वो 17, 16 and 12 साल है। इफ़ द एज ऑफ असलम आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द एज इज इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज द एज ऑफ असलम, तो असलम की एज क्या होगी? तो इसका है 35। ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे 6th क्लास की जो है ना बुक मैथ की, उसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ आपसे मज़ीद क्वेश्चन जो है रिवाइज़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, विच वन ऑफ 4 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। चार चीज़ें हमारे पास होगी, इनमें से मुख्तलिफ कौन सी है? सी, हेयर, टच, स्माइल। बाकी जो है हमारे पास वो सेंसेस है, यानी देखने की हिस है, सुनने की और टच करने की, लेकिन स्माइल जो है वो मुख्तलिफ है, यानी मुस्कुराना, तो इन सब से अलग है। विच वन ऑफ 5 इज़ लीस्ट लाइक टू अदर 4, तो ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि इनमें से कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है? टिन, लीड, आयरन एंड कॉपर। ये बाकी तीन चीज़ें जो हैं वो धातु में आती है, लीड जो है वो सिक्का पेंसिल का ज़्यादा लीड, तो ये इन सबसे मुख्तलिफ है। जैक इज़ टेलर दैन पैटर एंड बिल इज़ शॉर्टर दैन जैक, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी मोस्ट एक्यूरेट, तो ये है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बिल और पैटर इज टेलर। इफ़ यू अरेंज द लेटर्स RAPIS यू वुड हैव द नेम ऑफ सिटी,
यानी पेरिस बन जाएगा अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो, पेरिस का लफ्ज़ बनेगा तो जो एक शहर का नाम है। विच वन ऑफ द फाइव मेक्स ऑफ द बेस्ट कंपेरिशन, तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास होगा बी, विच इज़ वन फाइव मेक्स द बेस्ट कंपेरिजन, बुलेट इज़ गन एज बैल इज़ टू कैनन। विच ऑफ़ द डिज़ाइन ऑफ लिस्ट ऑफ अदर फोर, सबसे मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन वो हमारे पास कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। तो 21 क्वेश्चन हमारा है जी, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज़ एक्स वाई इफ वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू, इसमें से नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इज 50 एंड 25 के जी एंड दैट द रिमेनिंग 8 बॉय इज़ 45 एंड 15 के जी, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन द क्लास, तो इसका ऑप्शन है सी, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज़ 45, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज़ 40 के जी एंड दैट बी एंड सी बी 43, देन द वेट ऑफ बी, तो इसका है 31 के जी। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डिकेड, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, यानी एक जो इलाके की आबादी 1,75,000 से 2,62,500 हो गई है एक अशरे के अंदर, यानी 10 सालों के अंदर, तो उस इलाके की आबादी कितने फ़ीसद बढ़ी है, तो इसका सिंपल है कि आपने पहले माइनस कर लेना है फिर उसके बाद उसका निस्बत मालूम, उसकी परसेंटेज मालूम कर लेनी है। रमीज़ बाय गुड वर्थ 6,650, ही गेट्स रिबेट ऑफ 6% ऑन इट, आफ्टर गेटिंग द रिबेट ही पे सेल्स टैक्स 10%, फाइंड द अमाउंट ही विल पे टू गॉड्स, तो वो है 6,875, इसके असल कीमत जो वो पे करेगा 6,876 रुपये है। थ्री कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव 1,136, 7,636 and 11,628 वोट्स रिस्पेक्टिवली, परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट्स गेट्स, तो वो है 57%। If Mubin will selling two goats at the same price makes profit 10% on one goat and suffers a loss of 10% on the other, he तो उसने कितने परसेंट जो है लॉस किया, वो है 1%। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ फहीम सैलरी इमरान सैलरी टू नवीद सैलरी, इफ़ फहीम मेक्स 80,000 रुपीज़ इमरान 70,000 रुपीज़ एंड नवीद मेक्स 50,000 रुपीज़, तो इसके हमने सिंपल नस्बत बना के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें रेशो के उसके मुताबिक सॉल्यूशन करना है इसका। टू नंबर इन द रेशो 5:4 एंड देयर डिफरेंस इज 10, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ऑप्शन नंबर बी 50, फाइंड द मेन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 45, तो यह है 15। वर्टिकल एंगल दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो इक्वल, टू लाइंस दैट मेक एन एंगल आर कॉल्ड वर्टेक्स, द सर्फस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर विद रेडियस आर इज हाइट एच इज मेड बाई 2πRH, यानी एक सिलेंडर का या खोखली सतह का जो हमारे पास
एरिया मालूम करने का फार्मूला जो है वो 2πRH है। वी कैन सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिक्स ए एंड बी इफ़ देयर ऑर्डर इज सेम। अली रेज्ड 127 शीप, अहमद रेज्ड 141 शीप, हाउ मनी शीप डिड रेज ऑल। तो ये है 268। सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान इज़ यूनिवर्स, कुरान पाक का जो मौजू है वो कायनात है। हजरत खतीजा एक्सेप्टेड इस्लाम फर्स्ट इन वुमेन, सबसे पहले हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया। हजरत अबू बकर जो है सबसे पहले आदमियों में इस्लाम कबूल करने वाले थे और 40 साल की एज में पहली वही नाजिल हुई। तो 40 क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, हज़रत हलीमा वादा फोस्टर मदर ऑफ होली प्रोफेट, हज़रत हलीमा जो है वो आप सल्लम की रज़ाई माँ थी। 41 क्वेश्चन है, प्रोफेट आर मेंशन्ड इन द होली कुरान, कुरान पाक में जो है वो 26 नबियों का जिक्र है। हु एडिड सेकंड अजान ऑफ फ्राइडे प्रेयर, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुम्मे के दिन दूसरी अजान का इजाफा फरमाया। वट इज़ द वर्बल मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, ओबिडेंस ऑफ अल्लाह, फ्राम विच वर्ड अकीदा इज़ ड्राइव्ड अकद, अकीदा जो है वो अकद से अखज़ किया गया है, यानी जोड़े रखना, अकद का मतलब है जोड़ना। बेसिक पिलर ऑफ इस्लाम आर 5, इस्लाम के बेसिक पिलर जो हैं बुनियादी स्तून वो 5 हैं। ओपोजिट ऑफ तौहीद इज़ शिर्क, तौहीद का ओपोजिट जो है वो शिर्क है। हाउ मैनी टाइम्स कमांड ऑफ डायरेक्शन ऑफ नमाज इज़ गिवन इन कुरान, 700 टाइम्स, नमाज का हुक्म कुरान पाक में 700 बार है। क्वेश्चन नंबर 48, ऑन द जजमेंट डे फर्स्ट क्वेश्चन विल बी अबाउट नमाज, क़यामत वाले दिन जो सबसे पहला क्वेश्चन नमाज के मुतालिक होगा। द तौहीद कलमा इज़ पिलर ऑफ इस्लाम, पहला सतून जो है इस्लाम का वो तौहीद है। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये इनके सिक्वेंस है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑब्लिगेशन इन इस्लाम आर कॉल्ड फर्ज, फिफ्टी वन क्वेश्चन है, द वर्ड एथिक्स स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ मोरालिटी, फिफ्टी टू क्वेश्चन हमारे पास है, द सेकंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज़ कन्वेंशनल, 53 है जी, मायर टाइप्स ऑफ एथिकल इशूज ऑफ इंक्लूड एक्सेप्ट कम्युनिकेशन इशू, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड एटीट्यूड टू बी सक्सेसफुल इन योर कैरियर, अच्छा बिहेवियर, अच्छा रवैया जो है बहुत अहमियत रखता है कामयाबी में। स्ट्रॉन्ग करैक्टर मीन्स यू हैव अ हाइट सेंस ऑफ मोरल एंड एथिकल बिहेवियर देन एंड रिस्पेक्टेड अदर्स, एक अच्छे करैक्टर के ज़रिए आप जो हैं वो माशरे में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरा इंग्लिश रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन, और इसके फिर हमने जवाब देने हैं नीचे। तो ये है जी, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक स्लेक एंड लॉस्ट आउटपुट बट इज़ मच मोर देन दैट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, इट इज़ ऑफन डैमेजिंग अफ्रॉन्ट द ह्यूमन डिग्निटी एंड समटाइम्स कास्टोफिक बेलो टू फैमिली लाइफ, नॉर इज़ द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रप्टेड इन प्रोपोर्शंस टू अबिलिटी टू बियर इट, इट फॉल्स द मोस्ट हैवली ऑन द यंग, द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, द ब्लैक पर्सन, द ओल्डर वर्कर एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन अ लो इनकम रूरल एरिया हु इज डिनाइड द ऑप्शन ऑफ सिक्योरिंग मोर रिवार्डिंग अर्बन डिप्लॉयमेंट,
The concentrated incidence of unemployment among specific groups in the population means far greater costs of society that can be measured simply in horror of inventory illness or dollars of income lost. The extra costs include disruptions of careers of young people, increased juvenile and delinquency, and preparations for conditions which breed racial discrimination in employment and otherwise denial. तो हम इसका अब जवाब देने की कोशिश करेंगे. ये पैरा आपने दो तीन दफ़ा पढ़ लेना, उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडेक्स, इसका क्वेश्चन है. इसका जो आंसर ठीक है वो इकोनॉमिक्स लेक एंड लॉस्ट आउटपुट. वाइल अनएम्प्लॉयमेंट इज डैमेजिंग द मनी टू फॉल मोस्ट हैवीली अपॉन एक्सेप्ट द वाइट मिडिल क्लास. उसके बाद हमारे पास उर्दू के क्वेश्चन हैं. शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ अल्फाज के मजमूए को काफिया कहते हैं. मुश्ताक और बाजार मानवी अतबार से एक दूसरे के मुतजाद हैं या उल्ट हैं. ऐसा जुमला जिनमें मसंद आलिया और इसमें मसंद फेल हो कहलाता है जुमला इस्मिया. रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं. फेल और मुसदर में क्या फ़र्क है? फेल में ज़माना पाया जाता है जबकि मुसदर में ज़माना नहीं पाया जाता. लफ्ज़ ख्वाजा मोनस बताएं. खातून दर्द आलम से दुरुस्त जुमला बताएं. बाग में लंबी लंबी घास उगी है, ये दुरुस्त है. और उसके बाद है घड़ी में क्या वक्त हुआ है. अशरफियाँ लुटी कोयलों पर मोहर, इस ज़र्बुल मिसल से क्या मुराद है, यानी उल्टे काम करना. खसियाने बिली खम्बा नूचे, इसका मतलब है शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है. नेक्स्ट आपने ये पैराग्राफ रीड कर लेना और इसके आंसर जो हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं. इसके साथ ही हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा. वीडियो लंबी हो रही है. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.